back to my channel. Welcome back to another fun challenge video. आज का चैलेंज जैसे कि आपने पढ़ा है, my subscribers choosing my ingredients for smoothie challenge. जी हाँ, और आप लोग, I mean thank you so much कि आपने जो comment section में ingredients से ऐसे भर दिया है और इतने ज़्यादा weird ingredients हैं. मुझे डर लग रहा है कि मेरी मिक्सी आज ऐसे फूट ना जाए, से विस्फोट ना हो जाए इतने सारे अजीब इंग्रेडिएंट्स से, और पता नहीं स्मूदी का कॉम्बिनेशन क्या ही होने वाला है. पर जो भी हो, बहुत मज़ा आने वाला है. आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए. आई मीन क्यों नहीं देख ही लेना. और पहले तो हम बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ. बहुत ज़्यादा अलग, अजीब, वियर्ड और क्या शब्द है, शब्द कोश में शब्द ही नहीं है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन होने वाले हैं. तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं अभी क्या है. दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा, वो है ये चाट मसाला. जी हाँ, चाट मसाला है हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट. मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वियर्ड कॉम्बिनेशन ये स्मूदी का होने वाला है. तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारी लाल मिर्च की पाउडर, जो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है. मतलब मिर्ची ना हो तो स्मूदी कैसी, बकवास बंद करते हुए. अगला इंग्रेडिएंट है पनीर. जी हाँ, पनीर, इतना नहीं और भी ज़्यादा डालेंगे हम, पर पनीर भी लिखा गया है कमेंट सेक्शन में एज अ इंग्रेडिएंट, तो वो भी इंक्लूड कर लिया है हमने. पनीर की सब्जी ना बन जाए मिक्सर में, पनीर की ग्रेवी ना बन जाए, तो पनीर भी है हमारा इंग्रेडिएंट. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारी इमली. जी हाँ, इमली, सो फुल खट्टा मीठा फ्लेवर आने वाला है हमारी ग्रेवी नहीं ग्रेवी अभी से मैं ग्रेवी कहने लगी हूँ, हमारी स्मूदी में बड़ी खट्टी मीठी टेस्ट आने वाली है क्योंकि इसमें डलने वाली है ये इमली. जी हाँ. अगला जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो है सोया सॉस. जी हाँ, तो मुझे सच में पता नहीं इस ग्रेवी स्मूदी का क्या ही होने वाला है क्योंकि जो इंग्रेडिएंट सोया सॉस है, पता नहीं यार क्या ही होने वाला है. मुझे वैसे थोड़ा टेंशन होने लगा है, पर हम ये करेंगे क्योंकि हमें ये करना ही है. करेंगे हम ये करेंगे. ओके. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की ओर बढ़ते हुए, तो नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन, मतलब गार्लिक. जी हाँ, गार्लिक है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट. मतलब कि ग्रेवी ही बनने वाली है पनीर की, मैं बता रही हूँ पनीर की ग्रेवी बनने वाली है यहाँ पे. मुझे पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे इसमें क्या होने वाला है. ओके, बट इट विल बी फन एंड देखते हैं आप इसकी पेस्ट बनाते हैं. ये टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स हैं. फिर से आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँ तो है हमारे सोया सॉस जी, फिर मेयोनीज है, फिर चाट मसाला है, पीनट्स है, पनीर है, गार्लिक है, इमली है, और आखिर में है हमारा चिली पाउडर. और अगर आपने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया तो हो गई आपकी पनीर की सब्जी रेडी. तो अब पता नहीं इसका क्या ही होगा, तो देखते हैं ये कैसे बनती है, इसका टेस्ट कैसा है. स्टे ट्यून्ड, जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोसीजर के तरफ.
तो आ गए हैं हम हमारे मिक्सर महोदय के पास। तो डालते हैं हम थोड़े पीनट्स, मतलब थोड़े और डालते हैं, क्या ही होता है उससे। डालते हैं हम 2 बूंद सोया सॉस के, बस ज्यादा नहीं। रिस्क नहीं लेते, थोड़ा सेफ खेलते हैं। नेक्स्ट डालते हैं हम हमारा थोड़ा सा ऐसे पनीर। नेक्स्ट डालते हैं हमारे लहसुन, गार्लिक। नेक्स्ट डालते हैं 1/2 चम्मच चिली पाउडर। नेक्स्ट डालते हैं 1/2 इमली, और जो आखिर में इंग्रेडिएंट है हमारा चाट मसाला। मेयोनीज भी बचा है, तो चाट मसाला डालते हैं स्वाद अनुसार। मेयोनीज, पता नहीं इसका क्या ही होने वाला है। तो डाल दिया है हमने हमारा मेयो इसमें, तो ग्राइंड करते हैं इसे, देखते हैं क्या होता है इसका। इस प्रकार से दिख रही है हमारी स्मूदी जी, जो शायद पनीर की ग्रेवी बन गई है। पता नहीं, ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, पर इसका कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी आया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका कलर। तो देखते हैं इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा होगा या नहीं, लेट्स सी क्या होता है। तो करते हैं इसे टेस्ट। तो हमारी स्मूदी बन गई है, देखो इसका कलर कितना ज्यादा प्रिटी आया हुआ है, बिल्कुल पीनट बटर जैसा कलर आया हुआ है इसका। इसका स्मेल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फुल ऐसे गार्लिक और पीनट का स्मेल है। तो करते हैं हम इसे टेस्ट और देखते हैं क्या है इसका टेस्ट। सच में बड़ा डर लग रहा, सच में अभी ऐसे लेने के देने वो वाला वीडियो है ना, हमेशा वही होता आ रहा है। अब बकवास बंद करते हुए टेस्ट करते हैं इस स्मूदी जी को। इनका कलर फॉर अ चेंज बड़ा अच्छा आया है, मैं तो इसके कलर से ही खुश हूँ, पर हमें टेस्ट करना है, तो करते हैं इसे टेस्ट। म्यूजिक। Take care of yourself, stay safe. हम मिलते हैं अगले वीडियो में, bye.